दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी जो है प्रॉब्लम आ रही है कि आपके भी जो है वीवो के मोबाइल में जब भी कोई कॉल करता है तो कॉल जो है फुल स्क्रीन में शो नहीं हो रही, फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं देता, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का, या फिर आपको दिखाई देगा दोस्तों ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो आपको जो है ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकंड नंबर पर मैनेज ऐप्स का ऑप्शन, या फिर आपको दिखाई देगा ऐप लिस्ट का। तो आपको जो है मैनेज ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है राइट साइड में जो है थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, तो आपको जो है इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शो ऑल ऐप्स का ऑप्शन, तो आपको जो है शो ऑल ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है सर्च बार में आना है, और आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले सर्च करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स। आपको यहाँ पर सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स। जैसे आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर के नाम से ऐप, तो आपको जो है कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर वाले ऐप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्लियर डाटा का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको जो है इन सभी नोटिफिकेशन को यहाँ पर यहाँ से जो है ऑन कर पाए, तो आपको जो है सारी नोटिफिकेशन को यहाँ पर जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है नीचे भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर ऑल डाटा का, तो आपको जो है क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको दूसरा भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट्स स्टोरेज का ऐप दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको एक दिखाई देता है कॉन्टैक्ट्स का ऐप तो आपको एक का ये सब कुछ करना है जो भी मैंने आपको बताया डाटा वगैरह क्लियर, और अगर आपको एक से ज़्यादा ऐप दिखाई देता है तो आपको उस पर भी क्लिक करना है। और आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर आपको स्टोरेज में जाना है, क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना तभी आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप लोग अभी से वीडियो को छोड़ दे कि जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आगे मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, वो करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर भी जो है नोटिफिकेशन में जाना है, और आपको जो है सारी नोटिफिकेशन को यहाँ से जो है दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नीचे दिख रहा है फोर्थ स्टॉप का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर डाटा का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा यहाँ से भी कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर सर्च करना है फ़ोन। जैसे आप लोग यहाँ पर फ़ोन सर्च करोगे तो आपको जो है यहाँ पर दो ऐप दिखाई देंगे, पहला है फ़ोन सर्विस का, दूसरा है फ़ोन का। तो आपको जो है फ़ोन सर्विस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दोस्तों स्टोरेज पर जाना है, और आपको यहाँ पर क्लियर ऑल बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ से जो है सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। अगर आपने जो है एक भी नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है तो आपको सभी को यहाँ पर जो है सभी नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है फोर्थ स्टॉप का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा भी कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है दूसरा ऐप फ़ोन का, तो आपको दूसरे फ़ोन वाले ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टोरेज पर जाना है, क्लियर ऑल डाटा करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ से भी जो है सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो का भी पूरा देखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है रीसेट ऐप प्रेफरेंस।
तो आपको जो है रीसेट ऐप प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीसेट ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग जैसे रीसेट ऐप पर क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे उन सभी की सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगी, मतलब कि रीसेटिंग जो है अप टू डेट हो जाएगी। मतलब कि आप लोग जब भी नया फ़ोन खरीदते हो तब आपके मोबाइल में ऐप्स की जो सेटिंग आती है उसी तरह से आपकी टू डेट हो जाएगी, वो जो है रीसेट हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम आ रही थी इनकमिंग कॉल की, वो जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। 99% चांस है कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, कि आपकी कॉल जो है होम स्क्रीन तो नहीं होती। बाकी जो है 99% मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90% से जो है ज़्यादा चांस है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वापस देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।